टाइगर 3 में इमरान हाशमी पाकिस्तानी ISI एजेंट बनकर करेंगे सलमान खान के साथ कड़ा मुकाबला। खूंखार विलन बनने के लिए इमरान ने बनाई मस्कुलर बॉडी। सलमान खान और कैटरीना कैफ की एक्शन फ्रेंचाइजी टाइगर 3 की शूटिंग पूरी हो चुकी है। सलमान और टाइगर इस फिल्म में जासूस के किरदार में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म में एक नया एडिशन हुआ है इमरान हाशमी का, जो फिल्म में खूंखार विलन के किरदार में दिखाई देंगे। इमरान हाशमी टाइगर 3 में सलमान खान से कड़ा मुकाबला करते हुए नजर आएंगे। फिल्म की शूटिंग के दौरान सुरक्षा का खास ध्यान रखा जा रहा है ताकि फिल्म के सेट से कोई भी तस्वीर लीक न हो। हालांकि फिलहाल कोरोना की दूसरी लहर के कारण फिल्म की शूटिंग रोक दी गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि फिल्म की टीम जून 2021 से फिर से अगले शेड्यूल की शूटिंग शुरू करेगी। इसी बीच टाइगर 3 में इमरान के किरदार की डिटेल में जानकारी पता चली है। टाइगर 3 में सलमान और इमरान के किरदार के बीच खतरनाक आमना सामना होगा। एक अखबार में छपी खबर के मुताबिक टाइगर 3 में इमरान पाकिस्तानी ISI एजेंट के रोल में नजर आएंगे और उनके किरदार का नाम आतिश होगा। आतिश के किरदार के लिए इमरान को अपनी बॉडी को मस्कुलर बनाने की जरूरत है, जिसके लिए उन्होंने तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि इमरान इस फिल्म में सिक्स पैक एब्स भी दिखाई देंगे। सलमान के साथ साथ उनका भी फिल्म में शर्टलेस फाइट सीक्वेंस है। टीम ने टाइगर की तीसरी किश्त में भी इंडिया और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशंस को कामयाब रखा है ताकि फिल्म के पिछले दो पार्ट्स का कंटिन्यूएशन ब्रेक ना हो। खबरों की माने तो फिल्म की कहानी रूस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस भी ट्रैवल करती दिखाई देगी। टाइगर 3 को इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाने के लिए मेकर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सलमान और कैटरीना ने भी दक्षिण कोरिया स्टंट टीम के साथ खतरनाक एक्शन सीन सीखने के लिए ट्रेनिंग ली है। टाइगर 3 को पहले से भी ज्यादा ग्रैंड बनाने के लिए मेकर्स ने इसका बजट तकरीबन 350 करोड़ रुपए रखा है। फिल्म की शूटिंग अब फिर से जून के मध्य से शुरू होगी। टाइगर 3 के निर्माता आदित्य चोपड़ा ने मुंबई के एक ग्राउंड को टाइगर 3 की शूटिंग के लिए बुक कर दिया है और अब इस जगह को वेस्टर्न कंट्री का रूप दिया जा रहा है। आदित्य चोपड़ा के यशराज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस टाइगर 3 को मनीष शर्मा द्वारा डायरेक्ट किया जा रहा है। टाइगर 3 अगले साल सिनेमाघरों में रिलीज होने की उम्मीद है।